वो लोग हमारी जरूरत नहीं समझते हैं, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की औकात ही कितनी है ये हमें पता है। 9100 रुपया में 31 दिन काम करके बाल बच्चों को पोसना, कितना बढ़िया से पोस सकते हैं आप भी समझ सकते हैं। आप भी दुनियादारी में हैं, आप भी बाल बच्चेदार होंगे या फैमिली में भाई बहन होगा, सब देखते होंगे आप लोग। नहीं मानेगी तो क्या करेंगे, अंगा पैंट खोलेंगे थोड़े, लंगटे होके थोड़े मांगेंगे, यहीं बैठ के, यही मंदिर है हमारा, यहीं पूजा करेंगे। अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर से बाहर कोई नहीं आएगा। राजधानी पटना पूरी तरह से कचरों के अंबार में भरा हुआ है और पटना नगर निगम के तमाम सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ नूतन राजधानी अंचल कार्यालय के बाहर, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए, इनका कहना है कि हमें नियमितकरण करें, और क्या कुछ मांगे हैं इन्हीं से हम जानेंगे। ये धरने में बैठने का कारण क्या है? धरना पर इसलिए बैठे हैं हम लोग, एक तो कि टाइम पे बेहतर नहीं है, सेकंड हम लोग का साथ जो भी मार्च में वादा किया गया है कुछ संशोधन होके कुछ का बहाली अपना हो जाएगा 4300 कर्मचारी का, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूरे कोरोना में हम लोग जी जान से काम किए हैं, नाला के सफाई में भी जहाँ से भी हो पाया है सिस्टम लेके हम लोगों ने काम किया, इनका आधा अधूरा सिस्टम को हमने पूरा करके काम किया है, इनके आदेश का एक एक चीज़ का हमने पालन किया है, इनके अनुसार चल रहे हैं। और जब हमारी बात आती है तो इसमें से कोई खड़ा नहीं होता, अफसर लोग जितने भी हैं कोई सुनने को तैयार नहीं रहता है, कभी भी नहीं। और जहाँ तक कुर्सी पर बैठने के बाद जब एसी का हवा लगता है तो बाहर जाना नहीं चाहता आदमी, और चाहता है कि सारा काम करके ये लोग दे और हम सिर्फ मलाइक हैं। क्या किसी से आप लोगों की मुलाकात हुई है? जी ना, वो लोग हमारी जरूरत नहीं समझते हैं, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की औकात ही कितनी है ये हमें पता है। 9100 रुपया में 31 दिन काम करके बाल बच्चों को पोसना, कितना बढ़िया से पोस सकते हैं आप भी समझ सकते हैं। आप भी दुनियादारी में हैं, आप भी बाल बच्चेदार होंगे या फैमिली में भाई बहन होगा, सब देखते होंगे आप लोग भी। तो उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, एकदम इस चीज़ से 2 दिन हो गया, दूसरा दिन है, मतलब पता चलता है कि उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या आगे की रणनीति? ये तो सवाल ही नहीं उठता है, जो आपने सवाल किया इसको हम खारिज कर देते हैं। मांग पूरा कैसे होता है? जो काम हम लिए हैं अग्निपथ है ये, इस पर चलेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे। ये अनिश्चितकालीन लिखा हुआ है, अनिश्चितकालीन का मतलब हो गया कोई सीमा नहीं है हमारा, जब तक अगर मांग पूरी नहीं होगी ऐसे ही चलता है। ये सवाल ही हम खारिज कर दे रहे हैं, कोई भी मीडिया का नहीं मानेगी तो क्या करेंगे, अंगा पैंट खोलेंगे थोड़े, लंगटे होके थोड़े मांगेंगे, यहीं बैठ के, यही मंदिर है हमारा, यहीं पूजा करेंगे, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर से बाहर कोई नहीं आएगा, पूरा तो होना ही है ना, बिना संघर्ष का कुछ हुआ है क्या? तो 4300 कर्मचारियों को नियमितकरण करें, इसके लिए ये मांग है, और लगातार इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेंगी हम अनिश्चितकालीन तक ऐसे ही बैठे रहेंगे धरने पे। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ पर ताला लगा हुआ है, यहाँ पे ताला लग गया है और तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पे बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, जितने भी जेसीबी गाड़ियाँ हैं, कचरा वाहन है, वो तमाम गाड़ी यहाँ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है, और ये दूसरा दिन है। तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे तमाम लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं, और इनका साफ शब्दों में कहना है जो 4300 कर्मचारी हैं उनकी मांगे पूरी हो, उनको नियमितकरण करें ताकि हम फिर से काम पे लौट सके। ऐसे ही तमाम अपडेट्स HSBR आपको देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।